क्या आप बिस्किट नमकीन के ओल्ड पुराने बॉक्स से हो गए हैं बोर? तो आइए उसका एक करते हैं नया डेकोर। हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शीति नॉलेज किंगडम। सेरेमिक प्लांटर खरीदना सभी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मैं उसका एक बेहतरीन ऑप्शन लेकर आई हूँ। सिर्फ 40 रुपए की वॉल पुट्टी से मैंने बनाए हैं ढेरों प्लांटर्स, और वो भी वेस्ट मटेरियल से, वेस्ट कंटेनर से। तो चलिए, कुछ नहीं करना है दोस्तों, तो जैसा मैं कर रही हूँ ठीक ऐसे स्टेप आप फॉलो करिए, बिल्कुल चूकिएगा नहीं। और स्किप यदि आप करते हैं वीडियो को, तो बहुत ही बारीकी से जो मैं बता रही हूँ उसको आप चूक जाएंगे और फिर हो जाएगा गलत। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और मेरे बताए हुए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करिए। मैंने वॉल पुट्टी में थोड़े थोड़े पानी को डाल के उसको गूथा है, और अब मैं उसको थोड़ा गाढ़ा आटे की तरह पेस्ट बना ली हूँ। और यह कंटेनर, कंटेनर पर कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल वॉल पुट्टी का जो पेस्ट है उसको मैं ऐसे चिपकाती जा रही हूँ। पानी की मदद से थोड़ा पानी ले लीजिए, उसको फ्लैट सरफेस उसको उसी समय आप देते जाइए, और धीरे धीरे एक एक चम्मच के बराबर आपको उठाना है और फ्लैट सरफेस में उसको हाथों से इक्वल करते हुए आप उसको फैलाते जाइए, और डिब्बे के चारों ओर वॉल पुट्टी के इस पेस्ट को लगा दीजिए। पानी को अपने पास रखिए, पानी से सरफेस को इक्वल आप सरफेस दे पाएंगे, इक्वल लुक दे पाएंगे, जिससे सरफेस स्मूथ होता जाएगा और आपका जो कंटेनर है, आपका कंटेनर एकदम वाइट कलर के इस पेस्ट से फिलअप हो जाएगा। मनी मन घबरा रहे होंगे अब आप कि मेरे बस का तो नहीं है, शीति क्या लेकर आई है, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। बट कोई बात नहीं, हाथ गंदे हैं तो क्या होता है, हाथ तो साफ हो जाएंगे, लेकिन आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाएगा। आप खुद अपने हाथों में आप सेरेमिक प्लांटर का लुक लिए हुए सुंदर सुंदर पॉट को क्रिएट कर पाएंगे। ये तो है मेरा फर्स्ट कंटेनर, और मैं ढेरों कंटेनर में बनाकर आपको दिखाने वाली हूँ। और मेरे साथ जुड़े रहिए और फॉलो करते रहिए। मैं आ गई हूँ दोस्तों। मन में यदि किसी तरह का घबराहट और डर है कि आपसे नहीं होगा, तो ठीक ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था, लेकिन मैंने ठान लिया था मुझे बनाना है, मुझे सेरेमिक प्लांटर बनाना है। क्योंकि सेरेमिक प्लांटर ऑनलाइन या ऑफलाइन आप नर्सरी में जब जाते हैं, बहुत कॉस्टली है फ्रेंड्स, बहुत कॉस्टली है। तो जिनको जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके लिए, और जो लोग शौक रखते हैं हैंडमेड चीज़ों का, अपने हाथों से कुछ क्रिएट करने का, तो लग जाइए फिर मेरे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए कि नए नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास आते। और ये पॉइंटेड स्पून आप देख रहे हैं, इससे मैं एक टेक्सचर क्रिएट कर रही हूँ जो बहुत ही प्यारा लुक इस गमले को, इस प्लांटर को प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आप प्लास्टिक के फोक का भी यूज कर सकते हैं, और ये मिक्सचर थोड़ा गीला रहे तभी आपको ये टेक्सचर क्रिएट करना है। तो इसको मैं गोल शेप में घुमाते जा रही हूँ, इंद्रधनुष के शेप में आप घुमाते जाइए, डिज़ाइन बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। वाओ, जस्ट अमेजिंग, कितना प्यारा लग रहा है, आप देख रहे हैं दोस्तों। तो शीति क्या बता रही है उसको ध्यान से सुनना, और वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो गलती होगी तो आप लोग मेरे को बोलोगे। और ये देखो, ये तो मैं फेंकने जा रही थी, ढेरों मेरे पास सीपियों के लड़ियाँ पड़ी थी, जो कर्टन लड़ियाँ होती हैं किसी ज़माने में तो हर घर में नज़र आते थे, और मैं तो फेंक दे, बहुत से मैंने फेंक दिए, पता नहीं क्या आया मेरे मन में, मैंने कुछ रख लिए। और ये लीजिए, मैंने बना दिया झटपट उसका प्लांटर। और अब ऊपर का जो सरफेस है उसको एक स्मूथ लुक देने के लिए मैंने जो मेरा मिक्सचर तैयार था डो मेरा, उसको मैंने हाथ से लंबा बना लिया है,
और ऊपर सरफेस पे मैंने उसको लगा के पानी से उसको फ्लैट कर दिया है। तो देखिए एक बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग आती है। दोस्तों अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आप सीपियों को ऊपर नीचे या किसी भी स्टाइल में आप पेस्ट कर सकते हैं। जब आपका टेक्सचर गीला रहे तभी आपको उसको पेस्ट करते जाना है। और अब जो सीपियां मैंने लगाई थी संख वाली, इनको मैं पानी की और स्पंज की मदद से क्लीन कर लूँगी। आप चाहे तो आप ऐसे ही इसको डेकोर कर सकते हैं। दिस प्लांटर इज रेडी टू यूज़। आप इसमें डायरेक्ट प्लांट्स मत लगाइए, किसी छोटे पुराने ग्लासेस में, पुराने कप्स में रख कर प्लांटर को इसके अंदर डाल दीजिए पौधे लगाकर। ये तैयार हो गया दोस्तों प्लांटर। देखा कितना इजी है। वॉल पुट्टी, सिर्फ 40 रुपए के वॉल पुट्टी से एक प्लांटर रेडी है दोस्तों। और मैंने उसमें जेड प्लांट लगा दिया। सो नाइस, सो लवली, कितना मन को सुकून मिलता है हाथ से बने हुए प्लांटर को देख कर। और अब मैं इसका ही दूसरा लुक दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ एक्रिलिक ब्लैक पेंट का यूज़ किया है और सिंपल आपको यहाँ पे डाउन साइड में जो इसका बॉटम एरिया है मैंने वहाँ ब्लैक कर दिया है। और कुछ मैं अब दूसरा लुक यहाँ दे रही हूँ। और जब थोड़ा सा ही सूख जाता है तो मैंने फिंगर से ही गोल्डन एक्रिलिक कलर या फिर पाउडर बेस, जो पाउडर बेस आता है पेंट, उससे आप कलर कर दीजिए, थोड़ा गोल्डन टच दे दीजिए। और अब मैं सीपियाँ जो लगी हुई थी उनका मैं कलर बदल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक करने में बड़ा मज़ा आता है। तो सीपियों को तो मैंने शुरू से बहुत देखा है तो मैं सोच रही हूँ कुछ थोड़ा सा गोल्डन पर्ल का लुक दे दूँ। तो आजकल बड़ा ट्रेंडी भी है ये प्लांटर। तो देखिए थोड़ा सा फेविकोल, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा गोल्डन पाउडर, गोल्डन डस्ट ले लीजिए और हल्का हल्का टच आप फिंगर से करते जाइए। फिंगर से नहीं तो आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। और देखिए उसका जो टॉप सरफेस है वहां पर भी एक अच्छी फिनिशिंग के लिए मैंने वहां गोल्डन कर दिया है कलर, और सारी सीपियों को गोल्डन कर दिया है। और फिर इसके बाद देखिए क्या लुक आता है। थोड़ा सा गोल्डन टच देने के बाद कोई भी सिंपल सा चीज कुछ ज्यादा स्पेशल हो जाता है, थोड़ा सा ग्लैम लुक आ जाता है, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये मॉडिफिकेशन कर दिया। मेरा कौन सा आइडिया आपको बहुत अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। आइए एक चेंजेस और कर लेते हैं। इस फ्लावर प्लांटर को मैं हटा रही हूँ और मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ
ग्रीन लुक देकर। तो प्लांटर में आप एग्लोनेमा लगाइए या अपने मनपसंद का कोई प्लांट लगा सकते हैं। चूंकि मैंने अभी इसमें ड्रेनेज होल नहीं बनाया है तो मैं सिंपल शूटिंग के लिए मैंने ये लुक दे दिया है। एग्लोनेमा मैंने पहले से ही एक छोटे से प्लांटर में लगा दिया था तो मैंने उसको यहाँ अटैच कर दिया है। नाउ यू कैन सी। मुझे बताना मत भूलिएगा कि कौन सा प्लांटर का लुक आपको बहुत अच्छा लगा। तो रेडी है वेस्ट चीजों से बना हुआ ये डेस्कटॉप प्लांटर या टेबल टॉप या कहीं भी किसी भी कॉर्नर में आप रख सकते हैं दोस्तों। तो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स जरूर करिएगा। इसी तरह की वीडियो को मैं लेकर और भी आगे आती रहूंगी बहुत न्यू प्लांटर्स मेकिंग के साथ। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से ये सजेशन लेना चाहूंगी कि किस तरह के वीडियोस और किस तरह के आप DIYs देखना पसंद करेंगे तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने थॉट्स को अपने व्यूज को जरूर लिख दीजिएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, गो ग्रीन गो सेफ। Till then friends, bye-bye.